और किसान भाइयों के लिए एक और विशेष बात, आज एक विशेष स्कीम चल रही है। राम राम सारे किसान भाइयों ने, आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो किसान भाइयों, आज वीडियो बनाने आए नागपुर के अंदर और वीडियो बनाएंगे महिंद्रा का जो 605 DI ट्रैक्टर है इसकी वीडियो बनाएंगे। और आज इसकी आपको फुल A to Z जिसको बोलते हैं बिल्कुल सब से लेकर पैर तक की जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी ट्रैक्टर की, जैसी आज आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने साथ जुड़े हैं आज जो कंपनी के जो एजेंसी के ओनर है चहल साहब, उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम भाई सौरभ। तो चहल साहब, सबसे पहले अपने किसान भाइयों को आपका प्रॉपर नाम पता एड्रेस दो। पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम है कपिल चहल और अपनी जो एजेंसी है वो नारनूंद में। तो सर, जो आज हम बात करेंगे महिंद्रा का 605 DI ट्रैक्टर है, हाँ जी, इसकी अपने किसान भाइयों को प्रॉपर जानकारी दो। अपने किसान भाइयों को पता तो है कि महिंद्रा का 605 ट्रैक्टर है, लेकिन इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं, आज इसकी सर से लेकर बिल्कुल पैर तक की जानकारी दो। देखिए, जो ये प्रोडक्ट है ना महिंद्रा का 605, ये तो एक मतलब की आने वाले फ्यूचर में किसान भाइयों के लिए एक वरदान साबित होगा। आज छोटे मोटे कोई अदर कंपनी वाले हैं, कोई भी लालो आप है, तो यही एक मैसेज मिला जा रहा है कि CRDI ट्रैक्टर में ये है ये है। मैं खुद 2022 में हरियाणा सबसे पहला 655 फोर व्हील ड्राइव मैंने खुद अपने घर पर यूज करा। आते ही मैंने उसके साथ खेत में अपने कद्दू कराया, पाड़े काटे, कम से कम भी 200 किल्लियां कराया, लले कोई 1% भी दिक्कत नहीं आई। अच्छा जी, अपना किसान क्या है कि CRDI से डरता है पाड़े में कद्दू में उतारने से? तो एक मिनी स्मार्ट किट है। अच्छा जी। हाँ जी, ये आज इस किट के द्वारा कोई लैपटॉप लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, ये फोन से अटैच हो जाए ट्रैक्टर के। अच्छा जी। और सीधे ही आपको ये बता देगा, हिंदी में लिखा है, अगर आपको वो भी कोई भी छोटे मोटी दिक्कत है तो आप बस ये फिल्टर खोल लो। अच्छा। और कुछ भी नहीं करना। अच्छा। हाँ, ये नहीं है कि आप ट्रैक्टर में कोई भी दिक्कत आई सारा उधेड़ दिया, गड़िया तो खोल लिया कोई पता नहीं, तो इसमें तो बस सीधा यही पता लगेगा आपको, बस यही चीज खोलनी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। इतनी एडवांस मिनी स्मार्ट। देखो किसान भाइयों, इस छोटे से हम डिवाइस की मदद से हम अपने ट्रैक्टर के अंदर अगर कोई भी फॉल्ट है तो उसका पता लगा सकते हैं। तो सर चलिए अब इसके फ्रंट से लग जाते हैं, फ्रंट से अपने किसान भाइयों को जानकारी दो। देखिए, जो ये सामने वाली जाली है ना, हाँ जी, अगर हमारा ट्रैक्टर रिपर में चल रहा है, हाँ जी, तो ये जो भी डस्ट इसके अंदर को चली गई नहीं, हाँ, अंदर चली गई, ये नहीं अपने रेडिएटर के सामने रुक जाएगी। अच्छा जी। इसका रेडिएटर इतना वो है मतलब खुला, उसके अंदर से बिल्कुल क्रॉस हो जाएगी। अच्छा, अपने किसान भाई को शो उठाकर दिखाओ सर। देखिए, ये है जो अपना रेडिएटर, ये देखिए, जो भी डस्ट आएगी इसके अंदर वो क्रॉस कर जाएगी, इतनी बारीक दाड़ी दी है। अच्छा जी। अगर बाय चांस ट्रैक्टर किसान ने नहीं संभाला, क्यों रिपर का सीजन इतना ज्यादा वो है, बिजी शेड्यूल हो किसान का, कई बार नहीं संभाल नहीं पाता, तो उसमें ये है, अगर ट्रैक्टर मतलब गर्म होने का नाम नहीं लेगा। अच्छा, गर्म नहीं होगा अगर, हाँ, अनजान ड्राइवर बैठ गया, कोई भी बैठ गया, तो ट्रैक्टर गर्म नहीं होगा उसमें। अच्छा, उस चीज में सीधी बात ये है, इसके अंदर अगर 2 पॉइंट रह जाते हैं, 6 पॉइंट है मतलब कि उसके जो अपने टेम्परेचर दिखाने के, 2 पॉइंट पहले ही वार्निंग देगा। अच्छा जी। हाँ, वार्निंग शुरू हो जाएगी, बीप शुरू कर देगा ट्रैक्टर। और अगर आप फिर भी नहीं मान रहे, कितना लोड दे, कितना भी ट्रैक्टर चलाओ, लोड फ्री हो जाएगा ट्रैक्टर, लोड देना बंद कर देगा। अच्छा, अपने आप बंद कर देगा अपने। हाँ, लोड देना बंद कर देगा ट्रैक्टर, आप किसी भी तरीके से कितना वो कर लो, ट्रैक्टर गर्म नहीं होगा, इंजन सीज नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र हो इस बात। हाँ जी, ठीक है। कई बार अनजान ड्राइवर क्या होता है, इंजन सीज कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं बड़ा, इसमें वो समस्या नहीं, वो समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, आप कितना ही भी कितना कुछ कर लो, अगर ट्रैक्टर में खुद का दिमाग है इसमें। अच्छा जी। खुद का, हाँ, खुद का दिमाग, हाँ, खुद का दिमाग है, कोई भी अगर मैन मतलब कि कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए तब भी लोड लेना बंद कर दिया ट्रैक्टर। अच्छा जी। हाँ जी, अगर बात रही तेल में, अगर मैं बिल्कुल भी पानी आ गया ना हल्का भी, तो भी अपने डीजल क्लस्टर में दिखा देगा। अच्छा जी। हाँ, उसी टाइम बता देगा। और फिल्टर इतने बारीक हैं मतलब कि 0.0 माइक्रोन, जो हम देख भी नहीं सकते ना। अच्छा, वो भी उसको भी मतलब आगे नहीं जाने देते। अच्छा। और सर इसके इंजन की बात करते हैं, इंजन दिखाओ सो उठाकर और इसकी प्रॉपर जानकारी इंजन के बारे में। देखिए, यहाँ पर ये अपना आ गया इसका
पंप। अच्छा जी, पंप यहाँ से दो नोजल गई रिले में। अच्छा जी, यहाँ से अपने चारों इंजेक्टर इस रिले से ऑटोमेटिक तेल लेंगे। अच्छा, मतलब कि जिस जैसा भी लोड होगा वैसा ही तेल लेंगे। आप इस ट्रैक्टर को 40 एचपी में कर लो, 50 में कर लो, 60 में। अच्छा, मतलब कि एक ट्रैक्टर में तीन हो गए अपने, तीन इंजन है, तीन, हाँ एक ट्रैक्टर में तीन इंजन। अच्छा, 6 ईयर की वारंटी है ट्रैक्टर। अच्छा, की हाँ जी। और इसका इंजन तो इतना ज्यादा वो है, मतलब कि इतना ज्यादा पावरफुल, कितना है भी आप, अभी एक कस्टमर था आपसे मिला भी था तो वो बता रहा था 9 फुट का सुपर सीडर इस पर चला हुआ। अच्छा, हाँ, वो बता रहे थे कुछ, हाँ, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। ठीक है, और इसके ड्राई ट्राइप एयर क्लीनर की बात करते हैं सर। ये ड्राई ट्राइप एयर क्लीनर है, इसका आप देखो ये देखिए कितना बड़ा एयर क्लीनर है ड्राई ट्राइप। ये देखो किसान भाई, ये देखो कुछ इस प्रकार का इसके अंदर हमको एयर क्लीनर मिलेगा, चोकिंग सेंसर। अच्छा, वाइब्रेशन की बात करें तो जीरो वाइब्रेशन। अच्छा, जीरो वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन ट्रैक्टर में। अच्छा, हाँ जी, इससे अपना किसान भाई लंबे समय तक लंबे से किसी भी तरह काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। इतना कंफर्टेबल वो है, सीट भी है और आगे प्लेटफॉर्म भी, आराम से कैसे बैठ के आप काम करो। ठीक है, उसकी बात करेंगे तो जो फ्रंट एक्सल है इसके बारे में किसान भाई। एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है जी। हाँ जी, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। अच्छा, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग, डबल एक्टिंग है। हाँ जी, ठीक है। और फ्रंट टायर की बात करते हैं, फ्रंट टायर 750 के हैं। हाँ जी, और बिल्कुल भी नॉइस नहीं है इंजन में। अच्छा, हाँ बिल्कुल साइलेंट ट्रैक्टर, बिल्कुल साइलेंट, कार की तरह। कार की तरह, अगर आप ट्रैक्टर में बैठे हो, फोन पे बात कर रहे हो तो दूसरे को ये नहीं पता लगेगा आप ट्रैक्टर पे हो। अच्छा, हाँ इतना साइलेंट, इतना साइलेंट है। तो देखो किसान, ये है क्लस्टर इसका ट्रैक्टर का, फुली डिजिटल क्लस्टर है। अगर हमने ऐसे ट्रैक्टर बंद खड़ा है, कोई स्टार्ट नहीं, अगर आपने क्लच का डबल क्लच लगा दी तो उसी टाइम सेव कर देगा यहाँ। तो ये देखो किसान भाइयों, बिल्कुल एक पॉइंट अपने को बताता ट्रैक्टर। और अगर आप ये देखो, ये बीती है चेक वाली, अगर कोई भी दिक्कत होगी चेक दिखाएगी पहले। अच्छा, पहले शो कर देगी अगर आप ट्रैक्टर को संभाले। अच्छा, हाँ जी। और जो इसके सर ये है, यहाँ पर आपका ट्रैक्टर 40 एचपी का है। अच्छा, डीजल सीवर पर। हाँ जी, नॉर्मल पर 50 एचपी का। हाँ जी, और पावर मेर 60 एचपी का। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। इसमें अपने 30 गियर हैं। अच्छा जी, 30 गियर स्पीड, 30 गियर स्पीड है ट्रैक्टर की। अच्छा जी, हाँ जी। तो दिखाओ ये देखे किसान भाई को, ये देखो किसान, 5 गियर ये है। हाँ जी, 3 गियर ये है, लो हाई मीडियम। हाँ, और ये आ गया शटल, मेन चीज शटल। शटल गियर का आपको पता ही भी कितनी अहमियत आज के टाइम में। अगर हम खेत में कभी भी काम करें, सुपर सीडर से या कल्टीवेटर से, कोई से भी गियर में हो, बिल्कुल मतलब कि खुंजे वगैरह कोने वगैरह निकालने, तो बिल्कुल जल्दी उसी स्पीड में बैक आएगा। ये नहीं आपको ये छेड़ना पड़ेगा, बिल्कुल आराम से बैठे और अपने ये शटल से ऐसे कर लिया, बस कोई वो नहीं आएगी। और इसके पीटी ऑप्शन की बात करते हैं सर, इसमें रिवर्स पीटीओ। हाँ जी, और अपने फॉरवर्ड, डबल स्पीड, यहाँ पर अपना पार्किंग आ गया। अच्छा जी, हाँ जी, कोई वो नहीं है, बिल्कुल सभी चीज बिल्कुल ड्राइवर के पास है। अच्छा, कोई भी चीज, कोई भी कुछ भी ऑपरेट करना हो तो बिल्कुल। ये अपने बात करें सर, ये लीवर अपने डंपर के लिए है, कंप्यूटर के लिए। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, डबल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है सर। और ये यहाँ पर इसके ये आ गया अपने एसी डीसी लीवर, ठीक है सर। हाँ जी, और डिफरेंशियल लॉक भी है सर इस ट्रैक्टर के अंदर। इसमें डिफरेंशियल लॉक ये रहा। अच्छा जी, ये रहा डिफरेंशियल लॉक, ठीक है। तो किसान भाई, आपको पता ही है डिफरेंशियल लॉक भी आज बहुत जरूरी चीज है, सबसे जरूरी है। हाँ जी, और सस्पेंडेड क्लच ब्रेक मिलेंगे। हाँ, सस्पेंडेड क्लच, और अपने जो एक्सीलेटर भी है ना, वो भी बिल्कुल गाड़ी वाला है। अच्छा, ये देखो किसान भाई, ये देखो किसान कितने लंबे समय तक काम करे, कोई समस्या भी नहीं। और रही बात अपना, यहाँ भी एक्सीलेटर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है बिल्कुल, ठीक है। फुली डिजिटल ट्रैक्टर है, और इस ट्रैक्टर में एक अपना ये रहा डीजी सेंस। इसके बारे में अपने किसान भाइयों को बताओ। ये ऐसी डिवाइस लगा रखी कंपनी ने, इसके साथ आप अपने फोन में 3 महीने का रिकॉर्ड रख सकते हो ट्रैक्टर का। अच्छा, आपका घर से निकला ट्रैक्टर, और घर से निकल के खेत में कितना काम किया, कितनी देर पीटीओ पे चला, कितनी देर खाली खड़ा रहा, कितना तेल लिया। अच्छा जी, पूरे दिन का डाटा आपको फोन पर घर बैठे देगा। अच्छा, अगर आपने उसमें एरिया सेट कर दिया हमारा इस ट्रैक्टर इतने एरिया में चल रहा है, इससे अगर उससे बाहर जाएगा तो आपको फोन पे नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, हाँ कितना तेल है उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, सभी चीज जानकारी आपको फोन पे मिलेगी।
एक भी चीज का ले मतलब कि किसान को सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे कई बार ऐसा होता है कि किसान घर पे छोटा बच्चा बिठा दिया या अपना कोई भी ड्राइवर बिठा दिया तो ये दिमाग में रहता है ट्रैक्टर कैसा होगा, तो उसको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, अपना फोन देखा क्लियर हो उस टाइम। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें सर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 60 लीटर की, 60 लीटर की, हाँ जी। और ईट गार्ड आ गई, ईट गार्ड आ गई, ये जो फिल्टर है ना, हाँ जी, ये ही स्कॉर्पियो गाड़ी में है। अच्छा जी, हाँ जी, स्कॉर्पियो कार वाला, स्कॉर्पियो गाड़ी वाला, इसमें कोई भी अगर ये कहते हैं मतलब कि ट्रैक्टर हवा बनने से कई बार पंप में दिक्कत आई, इस ट्रैक्टर में कोई भी हवा बनेगी, कई बार बाई चांस बन जाती है, ज्यादा काम हो और दिक्कत हो तो बन जाती है, तो उस टाइम इसके पंप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, हाँ, हवा बनने से ट्रैक्टर में कोई भी बिल्कुल ना के बराबर है कोई नुकसान नहीं। ट्रैक्टर में क्या होता है, पंप बैठ जाता है, इसका पंप कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, ऑटोमेटिक, हाँ जी, ऑटोमेटिक तेल जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रैक्टर तेल लेगा। अच्छा जी, हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें वाटर सेपरेटर नहीं दिख रहा सर, वाटर सेपरेटर की जगह अपना ये है। अच्छा, ये फिल्टर है, ये फिल्टर है सर। अगर बाय चांस ट्रैक्टर में ऑयल में पानी आ गया, हाँ, तो वहां पे शो कर देगा चेक, तो आप बस इस वाल को खोलो। अच्छा जी, इसको खोल गए, हाँ, थोड़ा आप निकाल दो बाहर पानी और उल्टा बैठ दो, एक बार ट्रैक्टर का स्विच काटो, बंद करो, चेक की बत्ती चली जाएगी, अपना ट्रैक्टर क्लियर। अच्छा जी, इसी के अंदर वाटर सेपरेटर, हाँ, वाटर सेपरेटर इसके अंदर। तो चलिए किसान भाई अभी थोड़ा बैक में हो सकते हैं, आइए यहाँ से बात करते हैं, इसके अंदर टायर साइज क्या मिलेगा? 16x28 का टायर मिलेगा आपको इसमें। ठीक है सर, हाँ जी, क्यों 16x28 का टायर है, जो इसकी रीसेल वैल्यू भी है और जो आज का सबसे ज्यादा टायर का चलन है 16x28 का, इसलिए किसान भाइयों पे इसको लेने में और देने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर आप बड़ा टायर लेंगे उसमें रीसेल वैल्यू भी कम है, कॉस्ट भी ज्यादा है, तो एक जो मार्केट में चलने वाली चीज है 16x28 का टायर है। हाँ जी, तो सर इसके बैक एक्सल की बात करते हैं, ये देखिए आप, फुल हैवी है बैक हिस्सा, हाँ जी, ये देखो किसान भाइयों, फुल फुली हैवी ड्यूटी, इतना हैवी ड्यूटी शायद ही किसी ट्रैक्टर के अंदर, ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर। हाँ जी, ब्रेक की बात करें तो सबसे मजबूत ब्रेक, अच्छा जी, ट्रैक्टर कंपनी में महिंद्रा की, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में इस ट्रैक्टर के ब्रेक ऐसे, अगर आप कितना भी लोड ले रहे हो, कुछ भी हो, तो आप हल्का इशारा करो ट्रैक्टर वहीं पर रुक जाएगा। अच्छा, कई बार लोड में क्या फिसलेगा, ट्रैक्टर नहीं फिसलेगा, हाँ, कितना वही जमजेगा, इतनी ज्यादा ग्रिप है। और सर, और इसके अंदर सेंसिंग की बात, सेंसिंग की बात करें तो ये देखिए डबल सेंसिंग आ गई, एम्बुस्ट में लिफ्ट आएगी। अच्छा जी, एम्बुस्ट में, हाँ, एम्बुस्ट महालिफ्ट, महालिफ्ट हाइड्रोलिक, मतलब कि जो पहले ट्रैक्टर थे उनकी कैपेसिटी आ रही थी 2200 की, अब इन ट्रैक्टरों की 2700 से 2800 की कैपेसिटी कर दी है। अच्छा जी, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा होगी, क्यों आज के टाइम में इतने ज्यादा हैवी इम्प्लीमेंट आ गए हैं, तो उसके हिसाब से जरूरत से देखने, किसानों की जरूरत को देखते हुए लिफ्ट कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया। अच्छा, आप देखो इसकी लिंक कितनी हैवी है, ये देखो किसान भाइयों, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद कमेंट करके बताना कि इसकी लिंक कितनी हैवी है, इतनी हैवी है, देखो। और पीटीओ की बात कर लेते हैं सर, पीटीओ एचपी है 54 एचपी, 54 एचपी की। अच्छा, और ट्रैक्टर हॉर्स पावर है अपनी 60 एचपी, हाँ, यानी इस कैटेगरी में शायद होगी, शायद होगा। और इस कैटेगरी में जो इस ट्रैक्टर में फैसिलिटी ना किसी भी अदर कंपनी में है, ना ही रेट का कंपैरिजन हो सकता। अच्छा, अदर कंपनी से जो सीआरडीआई है, मतलब कि आज ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कामयाबी महिंद्रा कंपनी का सीआरडीआई ट्रैक्टर, अदर कंपनी का तो बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छा, आप सारे सर्वे कर लो, जो अपनी सेल रिपोर्ट आती है, सेल रिपोर्ट में सबसे ज्यादा महिंद्रा है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि महिंद्रा कंपनी 2016 से तैयार ट्रैक्टर कर चुकी थी, 2016 में सीआरडीआई ट्रैक्टर तैयार कर दिया था सबसे पहले, यानी सीआरडीआई। आज कंपनी महिंद्रा कंपनी 25 साल बाद का भी जो आने वाला टाइम है ना, 25 साल का वो भी तैयार कर रखे स्ट्रक्चर। अच्छा, पहले तैयार कर रखे, आज ये ट्रैम 4 में है ट्रैक्टर, ट्रैम 4 है, ट्रैम 5 कंपनी के पास तैयार है, ऑलरेडी तैयार है, और ट्रैम 6 पे काम कर रही है। अच्छा, 6 पे काम कर रही है, 5 तैयार है। अच्छा, हाँ, इतना ज्यादा एडवांस चल रहा है कंपनी का काम। जिस टाइम लग और कंपनियां ट्रैम 5 पर जाएंगी, ट्रैम 4 पे भी नहीं आई आज कंपनियां, ट्रैम 4 पे आएंगे नहीं, हाँ, और आने वाले 2025 मार्च की मतलब जो सरकार के निर्देश है उसमें अपने छोटे ट्रैक्टर भी सीआरडीआई में हो जाएंगे। अच्छा, छोटे, हाँ, 265 भी अपना सीआरडीआई मिलेगा आगे से। अच्छा, हाँ जी, तो सीआरडीआई ट्रैक्टर का बेनिफिट ये है, तो एक तो आप तेल का खर्चा है जो उसको घटा ले हैं, और एक बिल्कुल सभी चीज है जो जमींदार को चाहिए, नॉइस फ्री, रख रखाव भी कम, वाइब्रेशन भी
नहीं सब कुछ प्रदूषण का भी नहीं चक्कर, तो सभी बातों ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर तैयार किया गया है। एक पहले का जमाना था कि हमारी बिजली वाली रही आई थी, तो लोग उस टाइम नुकार इससे कैसे दूध भी लिया जाएगा, के निकलेगा, तो आज वो जमाना आ गया, बिजली की रही के बगैर अपना काम ही चलता। तो वह है आज लोगों को बहकाया जा रहा है कि सीआरडीआई से दूर रहो, ये रहो, तो बिल्कुल एक किसान भाइयों को वो एक मतलब की पिछड़ापन में ले जाने वाली बात है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी में आना ही पड़ेगा किसान को भी, और जो आने वाला टाइम है वो भी एडवांस का ही है। आपने किसान भाई को क्या होता है बिठा रखा कि जो सीआरडीआई वो कामयाब नहीं। हाँ हाँ ये बता रखे लैपटॉप लगा जा रहा, लैपटॉप लगने में है क्या, देखिए ये मिनी स्मार्ट है, ये देखो किसान, ये चीज किसान को बता देती है, मतलब की ऑपरेटर को बता देती है कि अपने ट्रैक्टर को क्या चाहिए। पहली बात तो आज ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी, बस बस एक ये है बात, तेल में पानी आएगा तो वो शो करेगा उसी टाइम, इससे बड़ी तो मैंने आज तक 3 साल हो गए मैंने तो कोई किसी ट्रैक्टर में प्रॉब्लम देखी। हाँ जी चलाते हैं खुद में, मेरे पास घर पे भी ये ट्रैक्टर है। हाँ जी तो किसान भाई ये देखो ये एक एजेंसी के अंदर नहीं है, सिर्फ एक किसान है, किसान ही बता सकता है कि क्या क्या फीचर है, क्या क्या फैसिलिटी है। और तेल की जो एवरेज देखी ना मैंने, मैं सभी कंपनी का ट्रैक्टर मैंने अपने घर पे भी यूज करके देख लिए। कब से यूज कर रहे हो आप ट्रैक्टर? ट्रैक्टर तो हमें मतलब की 1990 से कर रहे हैं। 1990 से? हाँ जी। 1990 से मैं जिस टाइम पैदा हुआ था उस टाइम घर पे ट्रैक्टर था। अच्छा जी। हाँ मैं खुद भी करने लग गया नहीं जिस टाइम थोड़ा बहुत काम, तो मेरी सोच थी ये ट्रैक्टर देख ले मैंने सभी ट्रैक्टर यूज करके देख लिए, जो ट्रैक्टर की पावर और जो तेल का खर्चा कम है मैंने इस ट्रैक्टर से किसी का भी नहीं लगे। पावर कम्फर्ट में सबसे ज्यादा ज्यादा मैं ड्राइवर लगाऊंगा, ड्राइवर भी अपने आप कहते हैं जी हम चला लें दिन रात कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो अपने आप। हाँ वो ना तो कोई खुड़का ना और कोई कंफर्टेबल काम करने में दिक्कत है। इस बार का एक वाक्य होया, इस बार ज्यादा बारिश थी सीजन में, थोड़ी के टाइम में खेत में ट्रैक्टर लेके बड़े उसी टाइम बारिश शुरू होगी, पूरी ट्राली बना दी बारिश में इस ट्रैक्टर। अच्छा जी, बारिश के अंदर एक ट्राली बना दी, सभी ट्रैक्टर बंद हो गए थे, पूरी एक ट्राली बना के ट्रैक्टर रुक गया। हाँ तो इतनी ज्यादा पावर है इस ट्रैक्टर की, बहुत ज्यादा। तो चैल साहब अगर कोई किसान भाई अपने ट्रैक्टर खरीदना चाह रहा तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस बताओ। देखिए हमारी जो एजेंसी है वो अपने जींद रोड नारनौंद में है, नियर बाय अपना फायर ब्रिगेड है। हाँ जी और कोई भी किसान भाई अपने ट्रैक्टर लेना चाहेगा हम उसको वाजिब दाम में ट्रैक्टर देंगे, ये नहीं होगा कि बेफजूल के ओने सोने भाव होंगे। हमारे पास बहुत दूर दूर से भी आते हैं कस्टमर, हमने उनको भी ट्रैक्टर दिया है, अभी एक कस्टमर आपसे मिलके भी गया, आपने भी उसका भी रिव्यू दिया था। हाँ जी तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 8168-2318-25 और दूसरा है 7474-9982-82। हाँ जी तो किसान भाई आपको स्क्रीन के ऊपर भी कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, अगर मैं कोई भी मॉडल लेना आपको तो आप चाहे हिसाब से संपर्क। और किसान भाइयों के लिए एक और विशेष बात, आज एक विशेष स्कीम चल रही है एग्री इंफ्रा की कस्टमाइजिंग सेंटर के लिए। अच्छा। अगर कोई भी भाई ट्रैक्टर लेना चाहता है और साथ में 3 इम्प्लीमेंट तो कंपलसरी है, उससे ज्यादा लेता है तो वो भी उसको मिलेंगे और उसका सरकारी बैंक से उसका लोन कराया जाएगा और ब्याज रहेगा मात्र 50 पैसे। अच्छा। और रही दूसरी बात, उसमें बगैर गारंटी का लोन होगा। अच्छा। हाँ जी तो ये एक जमीन का चक्कर तो नहीं सर, कोई जमीन की गारंटी नहीं, वो किसान होना चाहिए, उसके पास चाहे 1 किला हो। अच्छा। हाँ जी रिकॉर्ड अच्छा हो तो उस भाई को ट्रैक्टर प्लस इम्प्लीमेंट बिल्कुल कम ब्याज में प्रोवाइड करवाए जाएंगे साथ के साथ। हाँ जी ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद चैल साहब आपका अपने किसान भाई को इतनी अच्छी जानकारी। धन्यवाद। तो किसान भाई ये थी आज की अपनी वीडियो, जैसी भी आप सभी को जानकारी लगे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना ताकि अपने और किसान भाई है जो उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके।